दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर अभी तक ठीक तरीके से सुबह भी नहीं हुई है, लेकिन बेबिका ने घर के अंदर अपना आतंक बचाना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, रात वाली बात को लेकर एक बार फिर से यहां पर बेबिका ने घर के अंदर तांडव कर दिया है। दरअसल दोस्तों जेड हदीद पर वो आरोप लगा रही है कि इस घटिया आदमी को शो के अंदर रखते हैं बिग बॉस वाले। इसकी कितनी गंदी सोच है लड़कियों को लेकर, ये सारी हदें पार करता है फिर भी इसको घर के अंदर रख रखा है। ऐसे लोगों के साथ मुझे नहीं रहना, मुझे इस घर से जाना है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन से यहाँ पर बेबिका की। दरअसल बेबिका इसलिए भड़की हुई है क्योंकि बीते दिन घर के अंदर जो टास्क हुआ था उसमें जेड हदीद ने बेबिका के मुँह पर थूक दिया था, ऐसा बेबिका का कहना है। हालांकि हमारा बिल्कुल भी कहना नहीं है। और दोस्तों हैरानी वाली बात ये है कि जब साइरिस के साथ में बीते दिन बेबी का बात कर रही थी तो बेबी का ये भी कह रही थी कि पता नहीं सर, इसने जो कांड किया है, इसने जो हरकत की है वो कैमरे में भी आई है या नहीं आई, मुझे नहीं लगता कैमरे में आई होगी वो चीज़। जी हाँ दोस्तों, बेबिका को ये लगता है कि जेड ने थूक दिया और बिग बॉस इस चीज़ को कैप्चर नहीं करेंगे, वो भूल गए होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं बेबिका का ये आरोप पूरी तरीके से झूठ है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने घर के अंदर इस बात का अभी तक मुद्दा बनाया हुआ है। और बीती रात को तो अभिषेक पर भी बेबिका ने आरोप लगाया था कि अभिषेक भी एक नंबर का घटिया इंसान है। सलमान सर के कहने पर अभिषेक को मैंने एक मौका दिया था और मैं इससे बात कर रही थी, लेकिन यह भी घटिया इंसान ही निकला और ऐसे लोगों के लिए मैं कभी भी खाना नहीं बनाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, ये बेबिका का फुकरा इंसान के प्रति सोच है। आप क्या कहना चाहेंगे बेबिका को? अपनी अच्छी अच्छी गालियाँ यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप ही का है। और यदि फुकरा इंसान के फैंस हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।